दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कंटेंट लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोग इस कंटेंट पे काम करते हैं तो 100% जो आपका चैनल है बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। और दोस्तों ये जो कंटेंट है ना, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कंटेंट है, बहुत ज्यादा पॉपुलर कंटेंट है। और दोस्तों आपके मन में डाउट होता है कि इस तरह के कंटेंट अगर आप लोग अपलोड करते हैं तो आपके चैनल पे क्लेम या स्ट्राइक आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं जिस तरह से आप लोग को बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से वीडियो को क्रिएट करेंगे तो 100% आपके चैनल पे ना ही कोई क्लेम आएगा ना ही कोई स्ट्राइक आएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो आप लोग को बताते तो हैं, कंटेंट सही बताते हैं, लेकिन तरीका नहीं बता पाते हैं क्लेम से बचने के लिए। और आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग भाई इस तरह का वीडियो क्रिएट करेंगे और भाई आप लोग को 5 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये दोस्तों सबसे बड़ी बात, तो आप लोग को चेहरा भी नहीं दिखाना है और ये कॉपी पेस्ट वाला ही कंटेंट है, लेकिन दोस्तों आपके चैनल पे क्लेम नहीं आएगा ना ही कोई स्ट्राइक आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बस आप लोग इस कंटेंट को एक बार देख लीजिए। तो आखिर ये कंटेंट है कौन सा, सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ और लेकर चलता हूँ आप लोग को मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब को ओपन करता हूँ, ओपन करने बाद सर्च वाले पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ एनिमल फनी वीडियो, इतना लिखकर मैंने सर्च कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग व्यूज देख सकते हैं। सबसे पहले मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने बाद यहाँ पर व्यूज देख सकते हैं 26 मिलियन, 2.5 मिलियन, 10 मिलियन, 3.5 मिलियन। और दोस्तों मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 3 दिन में भाई 94,000 यहाँ पे जो है वो व्यूज गया है, सिर्फ 15 मिनट 46 सेकंड का इतना लंबा वीडियो पे भाई 94,000 यहाँ पे व्यूज गया। और मैं नीचे यहाँ पे और स्क्रॉल करके यहाँ पे एक वीडियो दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों 3 हफ्ते पहले 18 मिलियन व्यूज गया, देख सकते हैं 3 हफ्ते पहले, वो भी भाई वीडियो का लेंथ देखिए आप लोग कितना ज़्यादा बड़ा है, 1 घंटा 1 मिनट 24 सेकंड का ये वीडियो है, लेकिन 18 मिलियन इस पे भाई व्यूज चला गया सिर्फ 3 हफ्ते में, इतना ज़्यादा इस तरह के कंटेंट में व्यूज जा रहा है। मैं इनके आईडी में ही चले जाता हूँ, आईडी में जाने के बाद अब इनका जो व्यूज है यहाँ पे देख सकते हैं 15,000, 22,000, 42,000, और मैं नीचे आता हूँ देख सकते हैं 3,71,000, 85,000, 1,93,000। और इनका जो पॉपुलर व्यूज है, मैं पॉपुलर व्यूज भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं 18 मिलियन, 1 महीने में भाई 5 मिलियन गया है, 1-1 महीने में 2-2 मिलियन गया है पे व्यूज, और सिर्फ 30 वीडियो में भाई 68,000 यहाँ पे सब्सक्राइबर इनके हो चुके हैं, 68.6K, मतलब दोस्तों 68,600 सब्सक्राइबर इनके इकट्ठा हो चुके हैं। और दोस्तों आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ पे पहले जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप लोग अगर उस तरह से क्रिएट करते हैं अपने वीडियो को तो 100% आपके चैनल पे क्लेम नहीं आएगा। आखिर वो किस तरह से करना है देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट वीडियो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट वीडियो चला के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉर्ट वीडियो जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, यहाँ पे 26 मिलियन, 2.5 मिलियन, 2 मिलियन गया है। यहाँ पे मैं इनके आईडी में जाके दिखा देता हूँ जो इनका व्यूज है, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं 26 मिलियन, सिर्फ यही वर्ग गया है। यहाँ पे देख सकते हैं भाई 5 वीडियो यहाँ पे अपलोड है, लेकिन 5 वीडियो में से भाई यही सिर्फ वायरल हुआ है, और एनिमल्स वाला फनी वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल होता है। तो आप लोग को करना क्या है देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई एक गलती करते हैं, यही शॉर्ट वीडियो यही से डाउनलोड करके और उस पर अपना एक्टिविटी ऐड करके और भाई उसको पेस्ट कर देते हैं, मतलब यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, भाई क्लेम आएगा ही आएगा। आप लोग को इस तरह से नहीं करना है भाई, आप लोग को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ क्या करना है आप लोग को। सबसे पहले मान लेता हूँ यहाँ पे समझ लीजिए ये वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है, अगर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं ना तो इसके अंदर बहुत से ऐसे वीडियो मिलेंगे आप लोग को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड आ चुका है, यहाँ मैं ऐड स्किप करके आप लोग को दिखाई देता हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक दो वीडियो मिलेगा। 5 मिनट का अगर वीडियो अगर आप लोग यहाँ पे इसको अगर मतलब डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हैं, इस 5 मिनट के अंदर भाई आप लोग 10-15 वीडियो बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं 10-15 वीडियो। और दोस्तों आप लोग को लॉन्ग वीडियो ही डाउनलोड करना है, दूसरा शॉर्ट वीडियो ऐसा नहीं है, शॉर्ट वीडियो यहाँ पे आए यही शॉर्ट वीडियो डाउनलोड करके उसमें अपना थोड़ा एक्टिविटी ऐड करके थोड़ा फिल्टर उल्टर लगा के अपलोड कर दिए, नहीं ऐसा मत करिएगा। ऐसे करने पे ही भाई क्लेम आता है, ऐसे ही करने पे ये सब वीडियो भाई जो क्रिएट कर रहे हैं ना, सब लॉन्ग वीडियो से ही क्रिएट किए हैं। तो मान लेता हूँ आप लोग को लॉन्ग वीडियो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, आप लोग इजी तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अब आप लोग को भाई एडिट करना है, उस पर अपना एक्टिविटी ऐड करना है। तो एक्टिविटी ऐड करने के लिए आप लोग को एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, तो ऐप क्या है मान लेता हूँ, बहुत से ऐसे लोग VN यूज करते हैं, काइनमास्टर यूज करते हैं, फिल्मोरा यूज करते हैं, या अदर बहुत से ऐसे ऐप हैं जो वीडियो एडिटिंग करके आप लोग को ईजी तरीके से दे देते हैं, लेकिन मैं आप लोग को काइनमास्टर के अंदर बताने वाला हूँ। तो काइनमास्टर ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग को क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, फिर आप लोग को भाई यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे रेशियो है उस पर सिलेक्ट होगा, लेकिन आप लोग को भाई रेशियो जो है 9:16 पे सिलेक्ट करना है,
ठीक है, 9x16 पे आप लोग को सिलेक्ट करके नीचे क्रिएट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग को क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। भाई कोई यूट्यूबर इस तरह से नहीं बताएगा जिस तरह से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, बस आप लोग एक बार वॉच कर लीजिए, 100% आप लोग को भाई यकीन हो जाएगा कि हाँ ये जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा बेस्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे मीडिया के वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आप लोग जो वीडियो डाउनलोड किया, यहाँ पे देख सकते हैं मैं 20 मिनट का वीडियो, लॉन्ग वीडियो डाउनलोड किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 20 मिनट 29 सेकंड का, यहाँ पे 29 सेकंड का यहाँ पे वीडियो का लेंथ है, बहुत ज़्यादा बड़ा लेंथ है। तो आप लोग को क्या करना है, पहले एक बार प्ले करना है, प्ले करने बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को जहाँ से टॉपिक अच्छा लग रहा है, मतलब मान लेता हूँ मुझे इतना यहाँ से मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, यहाँ थोड़ा मान लेता हूँ यहाँ से मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से वीडियो का लेंथ रखना चाहता हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, यहाँ पे यहाँ से रखना चाहता हूँ, यहीं पे आप लोग को रोक देना। मैं एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ, बस आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे आप लोग को कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ट्रिम लेफ्ट कर देना है। अब ये वीडियो को देख सकते हैं, यहीं से मुझे चाहिए, बाकी जो वीडियो का जो स्टार्टिंग का पार्ट था उसको मैंने कट कर दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, यही समझ लीजिए। अब आप लोग को स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके आप लोग भाई मेन पॉइंट भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 42 सेकंड का यहाँ पे वीडियो रख लेता हूँ, रखने बाद ट्रिम राइट आप लोग को कर देना। अब ये जो वीडियो है ना, ये मेरा 40 सेकंड का वीडियो हो चुका है, अब आप लोग को स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने के बाद आप लोग को वीडियो पे क्लिक करना है, क्लिक करने बाद बस देखते रहिए, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग को नीचे जाना है, पैन एंड जूम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को पैन एंड जूम पे क्लिक करना है। क्लिक करने बाद यहाँ पे इक्वल पे क्लिक कर देना है, इक्वल पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोग को प्रेस कर, इस तरह से जूम कर लेना है, इसको फुल वीडियो पे कर लेना है, मतलब आप लोग के स्क्रीन में ये फुल की तरह आ जाए, इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी नीचे लोगो दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को भाई लोगो भी गायब करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लोगो आप लोग ऐड कर देंगे, नहीं भाई, इसको थोड़ा जूम करके इसको नीचे कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा जो वीडियो है ना, ये 100% रेडी हो चुका है। अब आप लोग को बैक जाना है, बैक जाने के बाद एक चीज़ का भाई कोई ध्यान नहीं देता है, यहाँ पे मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा हूँ, अभी देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये बीच बीच में जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ये साइड में हो जा रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आप लोग को रोक के इस पर क्लिक करना है, फिर कैंची जाना है, स्लिप कर देना है। स्लिप करने के बाद अब क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, फिर पैन एंड जूम पे जाना है और इसको इस साइड कर देना है। अब यहाँ देख सकते हैं इसी तरह से आप लोग को भाई साइड साइड में करना पड़ेगा, तो 40-50 सेकंड का जो वीडियो है भाई कितना टाइम लगेगा, बस 2 मिनट टाइम लगेगा। अब आप लोग को फिर दोबारा इस तरह से करना है, यहाँ देख सकते हैं ये तो सही है, ये तो फिट है, और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये भी फिट है, और मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे ये भी फिट है, ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा साइड में है, ये भी थोड़ा साइड में है, तो इसको भी क्या करना है, आप लोग को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, और मैं पास में आता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहीं पर आप लोग को रोक देना है। रोकने के बाद आप लोग को क्या करना है, कैंची जाना, स्लिप कर देना है, करने के बाद फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस पर यहाँ पर ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट था, ये वाला नहीं, ये वाला था, इस पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पैन एंड जूम पे जाना है, जाने के बाद थोड़ा सा इधर कर देना, हल्का सा इधर कर देना, देख सकते हैं हो चुका है। अब यहाँ पे फिर दोबारा इधर कर देना, अब ये भी एडजस्ट हो चुका है, ये भी एडजस्ट हो चुका है, और ये भी एडजस्ट हो चुका है, यहाँ पे आपका ये जो वीडियो है ये एडजस्ट हो चुका है। अब आप लोग को स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है, जाने के बाद वीडियो पर क्लिक करना और फिल्टर यूज करना है, आप लोग फिल्टर जरूर करिएगा यूज, यहाँ पे फिल्टर पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिल्टर कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा लाइट जो है ना वो बढ़ चुका है, तो आप लोग अपने वीडियो के अनुसार इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 40 या 50 के अराउंड रख देता हूँ, 50 में रख देता हूँ। अब दोबारा से आप लोग को बैक जाना है, बैक जाने के बाद इस वाले पे क्लिक करना है, इस पार्ट पे, फिर दोबारा आप लोग को फिल्टर वाले पे क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद कोई भी एक फिल्टर ऐड कर देना है, फिर दोबारा इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना, अपने वीडियो के अनुसार एडजस्ट करिएगा, ऐसा नहीं कि मैं 50 कर रहा हूँ तो 50 ही कर दीजिएगा, नहीं। फिर दोबारा फिल्टर पर जाना है, फिल्टर पर जाने के बाद एक यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये वीडियो भाई 50% तो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी 50% नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या क्या कमी है भाई, यहाँ पे आप लोग को अपना क्रेडिट देना पड़ेगा। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, आप लोग को टैक्स पे जाना है, और यहाँ पे आप लोग को लिख देना है वेट फॉर एंड, ठीक है, यहाँ पे वेट फॉर एंड इतना लिख कर यहाँ पे 2-3 चक्कर इस तरह कर देना है, करने बाद ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाई देगा, ठीक है। इसको आप लोग को क्या करना है, नीचे इस तरह से लाना है, और ये अभी गायब भी हो जाएगा, जो लोगो है वो ऐसे ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। अब नीचे जाना है, कलर भी आप लोग चॉइस कर सकते हैं, लेकिन मैं कलर यहाँ पे व्हाइट नहीं रख, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सही कलर यहाँ पे मिल जाएंगे, मैं व्हाइट रख देता हूँ। अब आप लोग क्या करना है, नीचे आना है, नीचे बैकग्राउंड कलर पे जाना है, बैकग्राउंड कलर पे जाने पर इसको ऑन कर देना है और इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने पर 50 होगा, इसको 100 पे कर देना है, ये देख सकते हैं बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो चुका है। आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ फिलहाल ब्लैक ही रखना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरा यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देना है। करने बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इसका भी लेंथ इस तरह से पूरे फुल वीडियो में आप लोग को बढ़ा देना है, यहाँ पे
इस तरह से प्रेस करते हुए जाना है और भाई यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, फिर दोबारा इस तरह से इक्वल कर देना है। आप लोग को बिल्कुल इक्वल ही कर रखना है, ठीक है। अब रखने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या करना है, फिर दोबारा लेयर पे जाना है, टैक्स पे जाना है। जाने के बाद आप लोग भाई यहाँ पे अपना क्रेडिट भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ क्रेडिट, ठीक है, डिट यहाँ पे क्रेडिट, और एक स्पेस दे देता हूँ बीच के, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ सोनू पासवान, ठीक है, सोनू पासवान मेरे चैनल का यही नाम है। अब यहाँ पे आप लोग भाई यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से ऊपर भी कर सकते हैं, इसको आप लोग यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ना उस पर मत ऐड करिएगा, बैकग्राउंड नहीं ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाई देगा, इसका भी जो लेंथ है ना इस तरह से आप लोग बढ़ा सकते हैं, इस तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब ये जो आपका वीडियो है ना भाई 90% ये 100% नहीं 90% ये हो चुका है। अब 10% आप लोग को भाई थोड़ा सा वाइज ओवर करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल हो गया ये, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे वाइज ओवर पूरा वीडियो में नहीं करना है आप लोग को, ऐसा नहीं कि पूरे वीडियो में वाइज ओवर करना है, नहीं, आप लोग को यहाँ पे देखिए आप लोग कैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे REC वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने बाद स्टार्ट का एक ऑप्शन आएगा, जब आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तभी आपका वाइज ओवर होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एग्जाम्पल बता दूँ किस तरह से आप लोग को करना है, तो यहाँ देखिए आप लोग दोस्तों आज हम लोग एनिमल्स का यहाँ पे कार्टून फनी वीडियो देखने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, इतना आप लोग को बोल देना है। आप लोग अपने तरीके से भी बोल सकते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग को बोलना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार प्ले करके यहाँ पे सुना देता हूँ, यहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया, इस पर क्लिक करना है, फिर मिक्सर पे जाना है, 100 होगा इसको 200 कर देना है, इसको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो साउंड है ना वो साउंड इंक्रीज हो जाएगा। आप कैंची पे जाना, ट्रिम लेफ्ट कर देना है, ट्रिम लेफ्ट करने के बाद इसको प्रेस करना है, इस तरह से ला देना है। अब यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं यहाँ तक हमारा वॉइस ओवर है, तो इस पर फिर दोबारा वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची जाना, स्लिप कर देना है। स्लिप करने के बाद इसका जो साउंड है ना इस वीडियो वाले का, उसका साउंड मिक्सर पे जाना, 100 होगा इसको जीरो कर, मतलब जीरो नहीं करना है, थोड़ा डाउन कर देना है। इससे क्या होगा स्टार्टिंग में आपका जो साउंड है वो थोड़ा तेज हो जाएगा और इसका जो साउंड है थोड़ा स्लो हो जाएगा, बैकग्राउंड की तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। आज हम लोग एनिमल्स का यहाँ पे काफी फनी वीडियो देखने वाले हैं, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे स्लो था, अब हमारा जो साउंड है वो तेज हो चुका है। अब एंड पार्ट पे आप लोग को जाना है, एंड पार्ट पे जाने के बाद और यहाँ पे भी आप लोग बोल सकते हैं कि भाई इस वीडियो को वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर करिएगा, मतलब अपने हिसाब से बोल सकते हैं। मैं बोल के दिखा देता हूँ, REC पे क्लिक करना है, फिर दोबारा भी देखिएगा, यहाँ थोड़ा और दूर से मैं कर देता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, इस तरह से आप लोग को कर देना है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप लोग को बोलना थोड़ा तगड़े आवाज में, मिक्सर पे जाना है, 100 होगा 200 कर देना है, इसको ऑन कर देना है, बैक जाना है, फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है, देखते रहिए। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा तो बैक चले जाइए भाई, फिर दोबारा से देखिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ट्रिम लेफ्ट कर देंगे, ट्रिम लेफ्ट करने के बाद इसको प्रेस करेंगे, एंड पार्ट पे कर देंगे, यहाँ पे जो है वो आगे ना जाए, ठीक है, इक्वल पे ही रहे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार प्ले करके आप लोग को सुना देता हूँ कि किस तरह से ये हुआ है। ये जो वीडियो है ना ये 100% भाई ये कंप्लीट हो चुका है, अब आप लोग को इसको सेव करना है। तो यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है, क्लिक करने बाद यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि भाई 4K में करूँ, HD में करूँ या 720 पे करूँ, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग शॉर्ट वीडियो अगर क्रिएट करते हैं तो 1440 से मत करिएगा, सीधे 1080 या 720 पे भी आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेम रेट 60 पे रखिएगा और यहाँ पे FHD 1080 पे रख लीजिएगा पिक्सल पे, और ब्राइटनेस आप लोग 10 के अंदर रहिएगा, देख सकते हैं 9.27 MPS पे मैंने रखा है, ठीक है, इतने पे अभी आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है। ये जो वीडियो है ना ये आपका सेव होने लगा है। अगर अब आप लोग भाई अपने यूट्यूब चैनल पे भाई अपलोड करते हैं तो आपके चैनल पे कभी भी स्ट्राइक नहीं आ सकता, ना ही कोई क्लेम आ सकता है, क्योंकि भाई वो लॉन्ग वीडियो से आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो से नहीं क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग को यकीन आ जाएगा, यहाँ पे जिस ID में मैं गया हूँ ना, इस ID में जो ID था, यहाँ पे मैं इनके चैनल पे चला जाता हूँ, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट का है, यहाँ का नहीं है भाई, इंडिया का चैनल नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया का चैनल आप लोग को क्लेम आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिए, और अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, फिर मिलते हैं इस वीडियो में, सी यू टाटा, बाय बाय।